तो जी हाँ, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक स्टोव की। तो जी हाँ, ये मैंने ऑर्डर किया था जो कि अब हर घर की ज़रूरत है, तो मैंने भी जो है इसको ऑर्डर किया और मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करी। उसके बाद मैं दिखाऊंगी भी किस तरह से वर्क कर रहा है, कि वाकई ये अच्छा है या नहीं है। और हम इसको मंगा तो लें, पता चला कि पैसे वेस्ट हो गए, तो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग और मैंने फास्ट मोड पर लगा दिया ताकि जल्दी जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। और यहाँ आजमा मेरी हेल्प कर रही है और बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे, उसके बाद ही मैंने इसे ऑर्डर किया। और दराज़ से ऑर्डर मैंने किया, बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से, तो दराज़ से इजीली आपको मिल जाएगा, बहुत सारे हैं वहाँ पे, डबल वाला भी है, सिंगल वाला भी है। तो मैंने ट्राई के लिए सिंगल वाला ही मंगाना मुनासिब समझा, तो ये आप देख सकते हैं RAF इलेक्ट्रिक स्टोव, RAF मैं पढ़ रही हूँ, उसका राफ भी पढ़ सकते हैं। और ये वाइट कलर का है और प्राइस के लिहाज से क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मतलब प्राइस के हिसाब से हम लोग करते हैं ना कंपैरिजन, यार इतने प्राइस हैं तो ये ठीक है। तो जी हाँ, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। ये इसके स्टैंड्स हैं रबर के हैं, ये हार्ड रबर में जो होते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये देख सकते हैं आप, बस ये कि इलेक्ट्रिक वायर जो है इसका, जो ये थोड़ा सा छोटा है प्लग वायर, तो लेकिन मुझे तो ठीक लगा क्योंकि मेरे किचन में जो है स्विच बोर्ड ज़रा नीचे, तो ईजीली जो है ये, मैं भी आपको दिखाऊँगी लगा के भी और पका के भी, तो ये इसके अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे इसके स्टैंड, ताकि स्टैंड के ऊपर खड़ा हो जाए। इसका ब्रोशर है साथ में, जो कुछ भी इसकी प्रिकॉशंस हैं या जो कुछ भी इसमें हमें एहतियात बरतनी है वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है, जो कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मैं तो कभी कभार मूड हुआ तो पढ़ लिया, फ्री हुई तो पढ़ लिया, नहीं तो साइड में रख देते हैं इसे। खैर, इसको लगा रहे हैं, समझ रहे थे बहुत आसानी से लग जाएगा ये, लेकिन ये बहुत मुश्किलों से लगा घुमा घुमा के। और एक तरह से अच्छा भी है कि जितनी मुश्किलों से लगा है उतनी मुश्किलों से निकलेगा, तो इसलिए सही रहेगा, स्टैंड खड़ा रहेगा, वरना अगर ये बार बार निकल जाता तो फिर ये मसला होता है इसके लिए। अब ये कि हम इस पर थोड़ी हैवी चीज़ भी रख दें तो ये ईजीली खड़ा रहता है। तो ये काफ़ी हार्ड रबर के स्टैंड इसके बने हुए, तो बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद इन दोनों ने मिलकर, शेजी मोरजबा ने मिलकर ये लगा दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटा सा प्यारा सा भी लग रहा है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको लगा दिया है मैंने, और जैसे इसका प्लग ऑन करें तो ये इसका जो है आप सेलेक्टर देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तक है, आप जितना चाहे इसकी हीट को बढ़ा सकते हैं। और इसका प्लग मेरे लिए तो ठीक रहा क्योंकि मेरा स्विच बोर्ड नीचे है, तो ईजीली उसके अंदर ये लग गया। अगर आपके लिए मसला हो तो फिर आपको एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा या इसका वायर आप चेंज करिए। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, और ये देख सकते हैं, मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छे से। मैं खाने का आपको बताऊं, मैंने कल ही इसके ऊपर निहारी बनाई है। जी हाँ, बहुत सारे लोग गलत रिव्यू भी दे देते हैं कि नहीं खाने के लिए अच्छा नहीं है, नहीं 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 बहुत अच्छा है, सीरियसली। चाय, मैगी, मतलब निहारी बना ली मैंने, तो आप सोच सकते हैं बाकी चीज़ें तो आसानी से इसके ऊपर बन जाएंगी। और पहले मैं भी डर रही थी कि यार ऐसा ना हो कि खाली चाय, मैगी, ऑमलेट के लिए ही काम आए, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कल इस पर निहारी बनाई है और मैं आपको दिखाऊंगी, जैसी मैंने पतीली रखी है फ़ौरन से इसके अंदर से जो है स्मोक निकलने लगी, स्टीम निकलने लगी, तो मतलब ये बहुत अच्छा और जल्दी से काम कर रहा है। अच्छा जी, लेकिन मैं भी बताऊँ कि मैंने स्टील की पतीलियों पर ही अब तक जो भी कुछ बनाया बनाया, नॉन स्टिक पर नहीं बनाया, उस पर भाई मेरा कुछ रहा नहीं है एक्सपीरियंस। नॉन स्टिक पे भी मैं यूज़ करूँगी, हाँ फ्राई पैन नॉन स्टिक यूज़ किया, बाकी पतीली यूज़ नहीं किए, बाकी खाना वाना सब अच्छे से काम कर रहा है ये। नॉन स्टिक का इसलिए मैं कह रही हूँ कि नॉन स्टिक का तला थोड़ा मोटा होता है, या मेरी सोच होगी ऐसा, लेकिन ये कि स्टील पर तो बहुत ही जल्दी से बना रहा है। निहारी भी मैंने स्टील के पतीले में ही बनाई थी कल, तो वो अच्छे से जल्दी से जैसे बनती है हमारे नॉर्मल स्टोव पे इस तरह से बन गई थी। फ्राइंग पैन में मैंने ऑमलेट वगैरह बनाया था और भी दो तीन चीज़ें मैंने बनाई थी, तो वो भी फ्राइंग पैन पर भी, मतलब नॉन स्टिक फ्राइंग पैन था, उसका तला भी मोटा था, लेकिन उस पर भी ईजिली इसने अच्छे से बना दिया था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और नॉन स्पॉन्सर वीडियो है, मैंने अपने पैसों से मंगाया है, प्राइस इसके 3488 रुपीज़, मतलब 3500 रुपये का ये आराम से आपको मिलेगा। और ये नहीं है कि ख़राब हो जाएगा या खुदा ना खासा, मेरा तो काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, अभी लेट हो गई मैं इसका रिव्यू शेयर करने में। अच्छा हुआ कि मैंने अच्छे से इसको ट्राई आउट भी कर लिया कि हाँ भाई ये कैसा है, तो मज़े से ये बना। निहारी भी जब बनती है तो काफ़ी सारी बनती है, पतीला जो आपका हैवी हो जाता है, तो मेरा पतीला भी काफ़ी हैवी हो गया था, तो मतलब कि हैवी चीज़ें भी आराम से ये संभाल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, इतने तो आपका कॉमन सेंस खुद भी काम करेगा कितना हैवी आप रख सकते हो, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा
मैं अंदाज़न आपको बता देती हूँ, 2 किलो निहारी जो थी वो आराम से उसके ऊपर थी, कोई मसला नहीं हुआ, कोई इसमें स्टील में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से इसने बनाई निहारी। तड़का भी मैंने उसी पर फ्राई करके लगाया, मतलब ये कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इन दिनों आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी रहा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रिव्यू वीडियो शेयर कर दी जाए कि ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। बहुत सारे लोग गलत रिव्यू भी देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं कि ये हो जाएगा, खाना नहीं पकता इस पर, इन्हें तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से हर चीज़ इसने बना के तैयार करके दी है। चाय वगैरह, मैगी वगैरह तो फटाफट से झटपट तैयार कर देता है, और निहारी का मैं जैसे कि मैंने बताया वो भी इस पर मज़े के साथ बन गई थी मेरी। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो पता ही आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ये मेरा दूसरा चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर भी मैं हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।